कल हम डॉक्टर के पास गए थे और वहाँ से दवाई भी खाई थी और चेक भी करवाया था और अभी मैं ठीक हूँ और अभी मैं उठी हूँ और यहाँ पर पापा उठते हैं और हमें एक अच्छा सा रूम मिला है। आज इस रूम में बहुत मज़ा आया। जी हाँ गाइस, आप में से बहुत सारे लोगों ने ना कल इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे पूछा यमुना के बारे में, और ये देख के बड़ी खुशी हो गई गाइस कि आपको ना बहुत फिक्र है यमुना की। अल्हम्दुलिल्लाह कल हम इस्लामाबाद आके सीधे हम G10 गए थे, डॉक्टर से चेक कराया था, टेस्ट वेस्ट भी हुए, दवाई मिली और रात को दवाई खिलाई और अभी बहुत बेहतर है यमुना। ये देखो जो सूजन कल थी ना वो तकरीबन आधे से भी आधी हो चुकी है, तो इंशाल्लाह बस कल सुबह तक यमुना बिल्कुल ठीक ठाक होगी। और कल तो ये बात नहीं कर सकती थी, कुछ खा नहीं सकती थी, अभी इन्होंने व्लॉग अपना खुद से स्टार्ट किया है। आपका बहुत शुक्रिया मेरे बारे में, आपने बहुत सोचा। कल तक मैं ठीक होंगी और कल वाले लोग हम रूटीन बना के स्टार्ट करेंगे। गाइस कल रात को हम नीचे होटल से दाल लेके आए थे, थोड़ी खाई थी, थोड़ी बची थी रोटी के साथ, तो अभी नाश्ते में हमने दाल भी रोटी भी गर्म की है, ये नाश्ते में खा रहे हैं और चाय हम नीचे जाके पियेंगे। अंजुम और यमुना सालन नहीं खा रहे लेकिन अरजान मज़े से खा रहा है। अभी हम नहा धो के तैयार हो गए हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं ब्लू एरिया, वहाँ पे घूमेंगे और हमारे पापा का कोई काम है और वो काम भी करेंगे और हम थोड़ा सा इस्लामाबाद को एक्सप्लोर करेंगे। जैसे ही हम कमरे से निकलते हैं सामने ही लिफ्ट है और अभी हम लिफ्ट में जाएंगे। छोड़ो अरजान छोड़ो, हमारा रूम ना 7th floor पे है, अब 7th floor से नीचे काफ़ी सीढ़ियाँ हैं तो इसीलिए हम लिफ्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। चलो यहाँ ये कौन सा फ्लोर पे है दिखता नहीं है, जहाँ पे हम पहुँचते हैं ना आड़ी होती है, 7th floor आवाज आती है। नहीं जिस फ्लोर में लिफ्ट जाती है आवाज आती है साथ साथ नहीं, वो एंड पे आवाज आती है, एंड पे आवाज आती है। ग्राउंड फ्लोर चलो 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 गाइस, हमारे अपार्टमेंट की एक खास बात ये है कि यहाँ साइड में ही एमजी सुपर मार्केट है। अच्छा ये एमजी सुपर मार्केट है, अरे यार ये देखो अब ग्राउंड फ्लोर से ही 7 दरवाजा है एमजी सुपर मार्केट का, क्या बात है गाइस। ये आप देख लें, ये हम अपनी ना जरूरत की चीज़ें भी ये स्टोर से हम ले सकते हैं, ये मुझे नहीं पता था रात को, अभी पता चल गया, अंजुम ने बताया। जिस अपार्टमेंट में हम ठहरे हैं ना उसी के नीचे ये बहुत बड़ा स्टोर है, तो कल बिस्किट भी मैं यहीं से लेके आया था लेकिन मैं बाहर से गया था, मुझे पता ही नहीं था शॉर्टकट जाने का। तो चलें गाइस, अच्छा हुआ कि अब हम जो भी चीज़ ज़रूरत होगी हम ग्राउंड फ्लोर पर आके यहाँ से चीज़ ले सकते हैं। चलो आ जाओ, अभी टाइम नहीं है ना, जो बाद में देखेंगे। चलो 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 अरजान यमुना चलो, ये देखें ये फिल फॉर हम अपने ग्राउंड फ्लोर में आ गए। वाह बड़ी गर्म धूप निकली है, कमाल का मौसम है, ठंड थोड़ी सी है। ये जो प्लाजा है ना यहाँ पे नदीम भाई रहता है और इस प्लाजे में हम रहते हैं बिल्कुल आमने सामने। तो गाइस हमने कितने दिनों से इस्लामाबाद आए थे और हमने कपड़े नहीं धोए थे, इसलिए हमारी मामा आज बैठेगी और कपड़े धोएगी और हम जाएंगे हमारे पापा के साथ ब्लू एरिया, इरफान साहब के साथ अब हम जाएंगे यहाँ से ब्लू एरिया।
सलाम अली। अस्सलाम वालेकुम। हां अलैकुम सलाम। क्या हाल चाल है? माइक कौन का था? तो सर नहीं। क्या हाल है भाई? कैसे? ठीक है आप? रोशन भाई अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक हैं? दोस्त बने हैं ये। सबसे पहले मैं 2018 में आया था, ड्रोन कैमरे लेना था, तो बस चलते चलते इनसे पाला पड़ा। मुझे इतने अच्छे रेट पे चीज मिली कि उसके बाद इनके साथ ताल्लुक बन गया। तो अब तक जो भी मैं चीज लेता हूँ कैमरा सब इन्हीं से लेता हूँ। अगर चीज ना भी लेनी हो ना मैं मिलने के लिए भी आता हूँ। सारी आपके थैंक यू है। हाँ, तो ये सिर्फ डीलर नहीं है, ये एक अच्छे इंसान है, ईमानदार। आपको कोई भी चीज चाहिए सही रेट पे आपको प्रोवाइड करेंगे। सर थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आपको पता आप गर्मियों में आके हम क्या करें इधर, ये बात भी आतंक हो जाएगी। अब सर्दियों में आए हमें सिर्फ इस्लामाबाद अच्छा लगा, वरना लाहौर 3-4 दिन रह के तंग हो गया। ये सब बच्चे बीमार हो गए। जाहिर बात है, टोटली वाहिद इस्लामाबाद है जहाँ पे सुकून है। ऐसा ही है। ईशान भाई के पास काफी टाइम हमारा गुजर गया और बड़ी गपशप हुई, बातें हुई, क्योंकि एक साल में हम आते हैं इस्लामाबाद, तो अच्छा लगा। और चलते चलते हमने एक चीज़ खरीदी यहाँ से, ये बड़ा अच्छा ट्राईपोर्ट दिखा इनकी शॉप पे, तो मैंने ये लिया है मोबाइल के लिए। ठीक है ईशान भाई, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। चलो चलो निकलो, चलो हमने हाँ कवर गिफ्ट दिया ना चाचू ने, अब इसका प्रोटेक्टर चेंज करवाएंगे। हाँ बड़ा ड्रोन है ये, छोटा ड्रोन है, ड्रोन ही ड्रोन है ना, ये कैमरे भी है, ड्रोन भी है, है? हाँ चिपका दिया है ना इन्होंने दीवार पे। तो चले गाइस अब हम पैदल ही निकले हैं, अच्छा लग रहा है इस्लामाबाद में ना पैदल चलने का भी अपना मजा है। मुझे याद है जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे 2008-09 में, तो हम दोस्त मिल के ना वॉक करते थे सुबह से शाम तक, दो दो तीन तीन घंटे चलते थे इस्लामाबाद में। इतना अच्छा लगता है इस्लामाबाद में चलना, वॉक करना, ग्रीनरी सब्जा और बड़ा पुरसकून माहौल है, कोई खौफ खतरा नहीं है। तो इसीलिए हम वो फील लेने के लिए पैदल निकले हैं। अजान आया है मेरे गोद में। ले जी गाइस पहुंच गए हम फाइनली सेवर फूड। जी जी जी। सो गाइस आज हम सेवर फूड आए हैं यमुना की स्पेशल डिमांड पे। चले बैठ गए तुम लोग। यमुना याद है ना पिछले साल भी हम आए थे, उधर बैठ के हमने चावल खाए थे। याद है अरजान यमुना आपको? मीनू आया है अरजान के सामने, अभी सेलेक्ट कर रहा है कि इसने क्या खाना है। अच्छा यमुना चावल ही चलेंगे ना चिकन पीस के साथ? हमारे बच्चों को सेवर फूड इतनी मजे की लगी कि अंजुम ने 3 प्लेट खाई है चावल, यमुना भी खा रही है, अरजान खा रहा है, और ये देखे अंजुम ने पूरी प्लेट खत्म कर दी। तो गाय हमने दबा के खाया सेवर फूड के चावल और टोटल भी बना 1134। सेवर फूड में खाना खाया और नेक्स्ट लेवल का रहा। चले चले जनाब।